Hello students, today we will start polar form of complex number. So students, you know very well about the complex number and some basic terms which we have used in the presentation of complex number, right? अभी जो हमने जो discussion किया है ये third presentation में बता के चल रहा हूँ, क्योंकि first जो presentation था एक बार recall कर लेते हैं. First presentation था geometrical. ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में हम कोऑर्डिनेट्स को सेट कर रहे थे अर्जेंटाइन में, या जिसको बोल देते थे गॉसियन प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन, राइट? हम वहाँ पर उन कोऑर्डिनेट्स को सेट कर रहे थे ऑन रियल एक्सिस एंड इमेजिनरी एक्सिस. एंड देयर इज वन मोर प्रेजेंटेशन, वेक्टोरियल प्रेजेंटेशन. वेक्टर प्रेजेंटेशन में वी वर थिंकिंग कि जो एक्स एक्सिस पर मूव कर रहा है तो इट कैन कंटेन सम डायरेक्शन. जब डायरेक्शंस की बात होगी तो डेफिनेटली इट इज इट बिहेव्स लाइक अ वेक्टर, ठीक है? तो वहाँ पर हम वेक्टोरियल प्रेजेंटेशन भी समझ सकते हैं उस चीज़ को, राइट? अब आते हैं नंबर थर्ड, जो बात करने वाले हैं वो है पोलर फॉर्म. ठीक है, पोलर फॉर्म. और अगर मैं इन दोनों फॉर्म्स की बात करता हूँ, ये दोनों का कनेक्शन सेट है, एक ही चीज़ से जनरेट हुआ. बट पोलर फॉर्म ने कहा कि ये एक अलग फॉर्म में लिखना चाहता है अपने आप को. ये कहता है कि मैं सिर्फ रियल फॉर्म में लिखना चाहता हूँ. ये इट मीन्स कि ये एक्चुअली रियल नंबर फॉर्म में बात कर रहा है. रियल नंबर फॉर्म मीन्स कि अगर मैं ए प्लस आई बी को बोलता हूँ कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इट मीन्स कि मेरे लिए जो ए और बी मैं यहाँ पर इंक्लूड कर रहा हूँ, मैं कोई ना कोई नंबर पुट करने वाला हूँ, राइट? एनी नंबर. बट पोलर फॉर्म से दैट इट इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, समटाइम्स वी कॉल इट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म. अब देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म से क्लियर हुआ होगा आपको कि एक्चुअली मैं मुझे ए और बी की जगह पर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ही डालने हैं. जहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डल गया तो समझ लीजिए वो पोलर फॉर्म का कन्वर्जन हो गया. अब क्वेश्चन ये आता है कि जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तब मैं सपोज यहाँ पर एक पॉइंट लेता हूँ ए बी फॉर एग्जाम्पल, और यू कैन टेक एक्स वाई वट एवर. सो यू नो वेल कि अगर ये अर्जेंटाइन है, अर्जेंटाइन है, तो ये वाला जो लाइन होगी ये एक्स को प्रेजेंट करेगी एंड दिस विल बी योर आई वाई, राइट? मैंने y लिया क्योंकि i is called imaginary axis. Now the question is कि how can we represent this x and y in terms of trigonometric ratio? Okay. Now I am coming to the next point. Okay. अब आप समझने की बात इसमें ये है कि trigonometric जो ratios हैं वो actually है क्या? Trigonometric ratios की अगर बात करते हैं तो trigonometric ratio हमेशा किसी ना किसी angle से relate करते हैं. राइट, एंगल एंड द रेशियो ऑफ टू साइड्स. तो इट मींस जब भी मैं बात करूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो आपको तुरंत यहाँ पर क्लिक होना चाहिए. इट मींस इस थीटा का कोई ना कोई रोल प्ले होने वाला. और अगर मैं इस थीटा को थोड़ा और डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ तो हम इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, राइट? आर्ग्यूमेंट बोल सकते हैं या हम इसको कभी कभी एम्पलीट्यूड भी बोल देते हैं, ठीक है? अब बच्चे कहेंगे सर एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट तो हमें पता है निकालना है, निकालना कैसे? तो वही है, मतलब यहाँ पर आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड हम सीख चुके हैं कैसे निकालना है, तो उसी का यूज हम यहाँ पर करने वाले हैं. ये तो एक चीज हो गया. दूसरा चीज ये है, अगर मैं इसको बोलता हूँ व्हाट इज ओपी, सो ओपी इज व्हाट? ओपी इज कॉल्ड मॉडुलस. तो मॉडुलस क्या है आपका? मॉडुलस क्या बोला जाता है? मॉडुलस बोला जाता है जब आप अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर रहे हो. कभी कभी हम ऐसे भी प्रेजेंट कर देते हैं, राइट? और इसकी वैल्यू जब निकालते हैं तो आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप डिनोट करते हो. तो इट मींस आपको मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट ही आपको पोलर फॉर्म देने वाला है. हाउ इट विल गिव यू पोलर फॉर्म वो हम बात करेंगे. तो मैंने सिर्फ आपको ये बताने के लिए कोशिश किया है कि अभी जो हम बात करने जा रहे हैं वो कोई नया कुछ सीखने वाले नहीं है, सब पुराना है. सिर्फ हम सिर्फ प्रेजेंटेशन चेंज करने वाले हैं. ज्योमेट्रिकल प्रेजेंटेशन को हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले हैं, नथिंग एल्स. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम एक काम करते हैं, हम एक बार और ग्राफ बना दिया है मैंने आपके लिए. अब इस ग्राफ में अगर देखें, सबसे अच्छी चीज यह है कि आपको पुराना ग्राफ ही मिलने वाला है, कुछ नया नहीं होगा. दूसरी बात हम बात करेंगे कि अगर मैं इसको इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को बोलता हूँ कि ये एक्स प्लस आई वाई का मोड होगा तो मैं गलत नहीं, क्योंकि इसी को ही हम जेड भी बोल देते हैं. और इसका एक और नाम रख सकते हैं, उसका नाम है आर. आर को वेक्टोरियल फॉर्म में रिजल्टेंट बोला जाता है, तो हम वो भी सिंबल यूज कर देते हैं क्योंकि प्रेजेंटेशन तो वेक्टर भी देता है. ओके, अब तीन नेम आ गए हमारे पास. ओके, नाउ इफ यू सी दिस वन,
साइन थीटा, अगर मैं यहाँ पर एक साइन थीटा की वैल्यू अप्लाई करता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, तो मुझे मिलता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वाई अपॉन आर मुझे मिल जाएगा स्टूडेंट्स। जैसे ही मुझे ये मिलेगा तो मैं वाई को आर साइन थीटा लिख सकता हूँ विदाउट एनी डाउट। इसका मतलब है मैं इस वाई को आर साइन थीटा लिख दूंगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, करेक्ट है। इसके बाद बात करते हैं कोस थीटा की, अगर मैं रेशियो निकालता हूँ तो मुझे मिलता है एक्स अपॉन आर, और यहाँ से मुझे एक्स की वैल्यू मिल जाती है आर कोस थीटा विदाउट एनी डाउट। अब कुछ बच्चे यहाँ पर सोच रहे होंगे सर टेन थीटा क्यों नहीं निकाला गया, टेन थीटा हम निकालते हैं क्यों नहीं निकालते हैं, टेन थीटा बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बिना टेन थीटा के तो आर्ग्यूमेंट ही नहीं निकलेगा, क्योंकि थीटा जो होता है टेन थीटा वाई अपॉन एक्स, इसी थीटा को क्या बोला गया है आर्ग्यूमेंट, इसी का तो गेम है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इट मीन्स कि हमारे पास सिर्फ दो रेशियो और बाकी रह गए थे जिनको हमें निकालना था, और वो उन्हीं को ही हमने यूज किया इन साइड्स को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए। अब आते हैं जो इसके रेसिप्रोकल होते हैं, उनका कोई यूज ही नहीं होता क्योंकि वो अल्टीमेटली है इसी से बने हुए, राइट। तो वो भी हम यूज कर सकते हैं, अगर मैं साइन थीटा की बात करूँ तो उसको मैं आर अपॉन कोसेक थीटा लिख दूंगा तो भी क्या प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं बनेगी इस बात से। अब आते हैं बात यहाँ पर कि अगर मैं इसको नॉर्मली इस पार्ट को कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो मैं ऐसे लिख दूँ, राइट, दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ आई एम कमिंग टू दिस पार्ट, अगर ये एक्स प्लस आई वाई है ये मेरे लिए ज्योमेट्रिकल प्रेजेंटेशन देता है, लेकिन मैंने एक्स की वैल्यू अब डिसाइड कर लिया है कि वो आर कोस थीटा हो गई है, तो मैं आर कोस थीटा यहाँ पर पुट कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं आर साइन थीटा पुट करूंगा जो वाई का वैल्यू। नाउ आर यहाँ पर आप देखेंगे कॉमन आ रहा है, तो कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा है, बिल्कुल एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि जो थीटा है ये आर्ग्यूमेंट होगा, और आर्ग्यूमेंट कौन डिसाइड करता है, आर्ग्यूमेंट ये टेन थीटा जो टेन है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, जो टेन वाला जो पार्ट है वो डिसाइड करेगा कि आर्ग्यूमेंट क्या आने वाला है, राइट। वही जो आर्ग्यूमेंट निकलेगा वो आप यहाँ पुट कर देंगे, और आर का वैल्यू आपको पता है क्या होता है, वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसको कभी कभी प्लस और माइनस भी ले लेते हैं क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू प्लस और माइनस भी आ सकती है, बाद में ही हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने में हेल्प करते हैं। तो ये था इसका पोलर फॉर्म, तो जब भी आपको क्वेश्चन आएंगे वो आपसे बोलेगा कि कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म के लिए देखिए आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, स्टार्टिंग आपको कहाँ से करनी है कि सबसे पहले आप निकालेंगे मॉडुलस, फिर निकालेंगे आप आर्ग्यूमेंट, फिर आप यहाँ पर उसको पुट कर देंगे, आपको पोलर फॉर्म डायरेक्टली मिल जाएगी, राइट। सो नाउ आई विल टेक टू एग्जांपल्स हियर सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड ऑल द दीस थिंग्स एंड द व्हाट आर द कनेक्शन एंड हाउ कैन वी फाइंड द पोलर फॉर्म। फर्स्ट क्वेश्चन में अगर देखें तो 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई, देखिए अभी ये एक्चुअली में स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, आपको सबसे पहला काम यही करना है कि आपको चेक करना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में आना चाहिए, आयोटा कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता, सबसे पहला टास्क यही है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, एंड देन यू विल गेट द वैल्यू फ्रॉम हियर 1 प्लस आई होल स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, यू नो वेरी वेल। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हो जाता है 1 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एंड दिस विल बी 1 प्लस 1, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो 1 माइनस 1 मुझे देगा प्लस 2 आई और अपॉन 2, ये स्टूडेंट जो रहता है 0, और अगर आप इस पूरी वैल्यू को देखें तो सिर्फ मुझे आई मिल रहा है, बट अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म को देखना चाहता हूँ तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो बनेगी अगर मुझे इसे कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्चुअल फॉर्म में दिखाना है तो ये दिखाएगा मुझे 0 प्लस 1 आई, राइट, आई इंटू 1, यहाँ से मुझे क्लियर पता लगा कि ए का वैल्यू 0 एंड बी का वैल्यू 1 डिसाइड हो जाएगा। और उसके बाद हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, अगर मुझे इसका मॉडुलस निकालना है, मॉडुलस मैंने आपको बताया था क्या करना होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आप देखेंगे ये हो जाएगा 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इट इज 1 ओनली, इसको आर भी बोल देते हैं। फिर आप टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, टेन थीटा होता है मोड ऑफ वाई अपॉन एक्स, या आप ये भी कह सकते हो इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। अब जब इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट आप देखेंगे तो इमेजिनरी पार्ट यहाँ 1 है और यहाँ 0 है, ये आपको अनडिफाइंड देता है। अब यहाँ से देखिएगा आप जब टेन थीटा की वैल्यू अनडिफाइंड हो गई,
तो ऑब्वियसली ये थीटा 90 हो जाएगा क्योंकि सिर्फ 10 थीटा की वैल्यू 90 पर 10 अनडिफाइंड होगा। तो आपको क्या मिल गया ये स्टूडेंट्स, ये हो गया पाई बाई टू। अगर मैं इसको रेडियन में कन्वर्ट करता हूँ तो पाई बाई टू की जो वैल्यू है वो हमारे लिए आर्ग्यूमेंट है, राइट। अब हमारे पास अगर मुझे पोलर फॉर्म में इसको लिखना है तो पोलर फॉर्म इज आर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और आर का वैल्यू आपके लिए 1 आ जाता है यहाँ से, और ये हो जाती है कोस पाई बाई टू प्लस आई साइन पाई बाई टू, यही आपका आंसर हो जाता है, राइट। तो इस तरह से आप पोलर फॉर्म को निकाल सकते। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी सिंपल। सेकंड क्वेश्चन में अगेन स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, माइनस 16 1 प्लस आई रूट 3, और आपको ये देगा माइनस आई रूट 3 1 माइनस आई रूट 3 माइनस 16 1 माइनस आई रूट 3 एंड दिस विल बी योर 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर माइनस 16 1 माइनस आई रूट 3 एंड 1 आई स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 दे देगा और ये हो जाएगा 3, मींस आई कैन राइट इट 4। और यहाँ पर ये माइनस 4 मुझे 1 माइनस आई रूट 3, इस 4 से मैंने 16 को भी डिवाइड किया, और ये माइनस 4 ये मुझे देता है 4 रूट 3 आई। अब सबसे पहली बात जब आपके सामने ये, अब हमारे सामने कॉम्प्लेक्स नंबर जनरेट हो गया। कॉम्प्लेक्स नंबर जनरेट होते ही आप जेड निकाल सकते हो, जेड मॉडुलस क्या हो जाएगा अंडर रूट माइनस 4 स्क्वायर प्लस 4 रूट 3 होल स्क्वायर, आपके लिए 16 एंड दिस विल बी योर 48। और अगर आप इसको ऐड करेंगे दिस विल बी राइट, तो ये आपके लिए 8 आ गया, क्लियर। नाउ आई एम कमिंग, यू कैन टेक प्लस और माइनस। वी वांट tan थीटा, tan थीटा यू नो दैट थीटा थीटा इज एन आर्गुमेंट, बट आर्गुमेंट से पहले यहां पर एक केस समझना बहुत जरूरी है। इसमें अगर देखें तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट अगर ये x है और ये y है तो x जाता है माइनस में, मतलब ये कोऑर्डिनेट माइनस और ये यहाँ पर कहीं पर होना चाहिए, राइट। तो माइनस 4 माइनस प्लस 4 रूट 3 कुल मिलाकर ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया स्टूडेंट्स। इस सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो एंगल होता है ये एक्चुअली x एक्सिस से जो बनाएगा ये हमारा आर्गुमेंट डिसाइड नहीं होता, आर्गुमेंट डिसाइड होता है इस वाले एंगल से। जब आप tan थीटा निकालते हो तो एक्चुअली में tan थीटा नहीं निकाल रहे हो, आप tan अल्फा निकाल रहे हो, क्योंकि tan अल्फा की वैल्यू दिस इज 4 एंड दिस इज 4 रूट 3, तो ये 4 रूट 3 अपॉन 4 मतलब ये रूट 3 आती है इस एंगल की वैल्यू, नॉट दिस एंगल, क्योंकि ये वाला जो एंगल है ये है आर्गुमेंट, ये आर्गुमेंट डिसाइड। बट प्रॉब्लम क्या है, हमने तो अल्फा निकाला है, अब अल्फा निकालते हैं तो अल्फा की वैल्यू आती है आपकी 60 डिग्री, राइट, या पाई बाय 3 डिग्री। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हमें ये वाला एंगल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जो आर्ग्यूमेंट होगा हम यहाँ लिखेंगे आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू पाई माइनस पाई अपॉन 3। रीजन कि जब ये टोटल एंगल पाई है, पाई में से इस एंगल को माइनस किया तो आपको पाई बाय 3 मिला। तो हमें क्या मिल गया स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये मिल गया मुझे 2π/3। तो आर्ग्यूमेंट आपका 2π/3 है। हाँ, एक चीज और जरूर चेक करनी पड़ेगी कि ये जो एंगल है ये माइनस पाई और प्लस पाई के बीच में रहना बहुत जरूरी है, राइट। माइनस पाई और प्लस पाई के बीच में रहना बहुत जरूरी है, तभी हम इसको सही डोमेन में या प्रिंसिपल वैल्यू में रख सकते हैं, क्योंकि थीटा की जो वैल्यू है वो माइनस पाई और प्लस पाई के बीच में कैलकुलेट होती है, क्लियर। सो दिस इज अ वन वेरी वेरी फाइनेस्ट पॉइंट। अब 2π/3 की वैल्यू बिल्कुल इन दोनों के बीच में लाई कर रही है, इट मीन्स हमारे लिए आर्गुमेंट सही काम करेगा। अब आर्गुमेंट की जब हम वैल्यू निकालते हैं, सॉरी पोलर फॉर्म, जब आप पोलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं तो आपके पास r भी आ गया है, r इज प्लस माइनस 8, और r cos थीटा, cos क्या बन जाएगा मेरे लिए, cos 2π/3 प्लस i sin 2π/3। इस तरह से मुझे ये पोलर फॉर्म मिल जाती है, राइट। सो दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इजी, बट आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में वो कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट करता है, क्योंकि वही डिसाइड करेगा उस आर्ग्यूमेंट को, आर्ग्यूमेंट का ही रोल है बच्चों, बाकी इस चैप्टर में कुछ नया नहीं है,
या इस टॉपिक में नया नहीं है मीन्स. सो क्लास आई होप यू हैव अंडरस्टूड. सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.